प्रपेरेशन वो भी अकेले बहुत बोरिंग है अच्छा कोई नहीं चलिए साथ में प्रिपेयर करते हैं आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सीवीएस सो इससे पहले मैं पहले वाली वीडियो में मैं आपको एंटीहाइपटेंसिव ड्रग्स बता चुकी थी कि क्या होते हैं तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पहले देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है अबाउट द डायबिक डायबिक हमारा फर्स्ट एंटी हाइपिटेंसिव ड्रग है क्लासिफिकेशन में तो कह रहा है डायबिक्स कॉज लॉस ऑफ वर्ट डायबिक्स में किसका लॉस होता है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर कॉम्प्लीकेशनस क्या क्या होते हैं डायोटिक्स के तो जैसे आपको पता होगा डायोटिक्स को थ्री में डिवाइड किया गया है पहला होता है हमारा थाइजाइड्स फिर सेकेंड है हाई सीलिंग एंड थर्ड है हमारा पोटेशियम स्पेयरिंग तो हाई सीलिंग और थाइजाइड टाइप डायोटिक्स का क्या कॉम्प्लीकेशन है हमें पहले कॉम्प्लीकेशन पता होनी चाहिए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं इससे हाइपो हो जाता है ठीक है हाइपो कलेम मीन्स क्या होता है कि पोटाशियम का लॉस होना दूसरा क्या है हाइपो हो जाता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस होता है हियरिंग लॉस होता है मैग्नीशियम डिप्लीशन होता है हाइपर यूरिशीमिया हाइपर क्लाइसीमिया हाइपर लिपिडीमिया होता है एंड एक्यूट सलाइन डिप्लीशन और फॉल इन बी होता है तो ये हमारी कॉम्प्लीकेशन है ठीक है तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हाइपोकैलीमिया मीनस पोटेशियम का लॉस हो रहा है ठीक है इसके अंदर में ये बता दिया चलो अब हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ये था हमारा क्वेश्चन डायबिटिक्स कॉज लॉस ऑफ वर्ड तो डायबिटिक्स कॉज लॉस ऑफ हाइपोकलीमिया हो रहा था सो लॉस ऑफ पोटेशियम ओके सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफिडपिन निफेडपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए निफिडपिन होता क्या है निफिडपिन क्या है इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैं पहले यह बता चुकी हूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है मोस्टली डिपेंड डिपिन डिपेंड होता है निमोडिपिन निफिडपिन निमोडिपिन ओके अमीलो डिपिन लिस्सी तो ये सारे क्या हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं तो निफे इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफे इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑल कैल्शियम ब्लॉकर क्या करते हैं रिलैक्सेशन बाई डिक्रीजिंग द इन्फ्रा सेलर अवेलेबिलिटी ऑफ द कैल्शियम ठीक है एंड दे मार्केट विल कॉज द आर टी लर क्या करता है ये आर डायलेशन करता है एंड माइल्ड इफेक्ट देता है वेन्स के ऊपर में तो क्या कर रहा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं रिलैक्सेशन करते हैं डिक्रीजिंग इंट्रोसलर अवेलेबिलिटी ऑफ द कैल्शियम ठीक है एंड दे मार्केट कॉज द आर्टेरियल एंड डायलेशन तो क्या कर रही है आर्टेरियल्स का आर्टेरियल्स arteri का डाइलेशन कर रहे हैं अब यहाँ देखिए अगर हम अपने ऑप्शन पे आ जाएँ तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफिडिपिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो हमारा आंसर है फर्स्ट इट हैज़ प्रोमिनेंट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एक्शन कॉज इज आर्टीरियोलर डायलेशन लीडिंग टू फॉल इन द ब्लड प्रेशर ठीक है क्या कर रहा है स्मूथ मसल रिलेक्सेंट एक्शन शो कर रहा है जिसकी वजह से आर्टीरियोलर डायलेशन हो रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है फॉल इन द ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर फॉल कर तो हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया सेकेंड क्वेश्चन डायटिक्स कॉल द लॉस ऑफ पोटेशियम ये भी हो गया थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द मेकेजम ऑफ एक्शन ऑफ द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या है तो इट इज अ वेस्टोल डायलिटर ऑफ द एंटीहाइपोटेंसिव ड्रग एंटीहेपेटेंस ड्रग क्लासिफिकेशन का ये क्या है वैसो डाइलेटर्स है वेसल्स को डायलेट करता है ओके okay, तो हमारा क्वेश्चन में ही पता चल रहा है मतलब उसका क्लासिफिकेशन से ही पता चल रहा है वैसल्स को डायलेट करता है मतलब क्या है डायरेक्ट वैसो डाइलीटर है तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड का ऑप्शन हो गया हमारा बी थर्ड इज क्लियर ठीक है फिर देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाय द फ्लूजीमाइड फ्रूजिमाइड क्या नहीं करता है ओके okay? फिर से आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लिकेशंस पे तो हमने क्या पढ़ा था कि हाई एल्डिंग पहले तो फ्यूजमाइड क्या है तो फ्यूजमाइड हमारा हाई हाई सीलिंग डायबिटिक है तो क्या करता है हाइपो करता है हाइपर यूरिशीमिया करता है हाइपर ग्लाइसीमिया करता है हाइपर लिपिडीमिया करता है तो हाइपो कैलीमिया हाँ करता है हाइपर यूरिशीमिया करता है हाइपो एंट्रीमिया करता है हाइपर लिपिडीमिया भी करता है बट हाइपर कैलशीमिया नहीं करता ओके हमसे पूछा है कि फ्यूजमाइड क्या नहीं करता तो फ्यूजिमाइड हाइपर नहीं करता सो नाउ सुनाओ क्वेश्चन इज क्लियर अब देखिए क्वेश्चन था हमारा कि बीटा ब्लॉकर्स जो होता है किसमें इंडिकेटेड होता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा कि बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो इंडिकेटेड होते हैं किसमें एंजाइना पेक्टोरिस में, में कार्डिक फेलियर में कार्डिक आडमिया में माइकार्डियल इन्फेक्शन में तो देखिए इसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए वेराप बीटा ब्लॉकर क्या है बीटा ब्लैकोट ब्लॉकर में आ जाता है हमारा प्रोपानोलोल बीटा ब्लॉकर में क्या आता है हमारा प्रोपानोलोल वेट इसमें आ जाता है हमारा प्रोपानोलोल तो प्रोपानोलोल जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कंप्लीट या फिर पार्शियल हार्ट ब्लॉक में या फिर कार्डिक फेलियर में ओके okay? सो so, हमारा बीटा ब्लॉकर्स जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कहाँ पे कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं अब क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजफुल इन द हाइपरटेंशन एक्सेप्ट कौन सा ड्रग है जो हाइपरटेंशन में यूज़ होता है ठीक है और कौन सा नहीं होता है तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सारे ड्रग्स हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं बट एक्सेप्ट व्हाट कौन सा है जो यूज़ नहीं होता हाइपर टेंशन के अंदर ठीक है तो देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हाँ यूज होता है एल्फा मिथाइल डोपा हाँ मिथाइल डोपा सेंट्रली सिंपेथलिटिक है बीटा ब्लॉकर्स हाँ फे, फेंटोक्सिफिलिन नहीं ये नहीं होता ओके सो so, क्या है हमारे यूजफुल इन द हाइपरटेंशन में तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ेगी अच्छे से तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा नहीं है हाइपोटेंसिव ट्रक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोकलीमिया इन द थेरेपी ऑफ हाइपोकलीमिया कौन से थेरेपी में देखा जाता है तो ये डिजिटलिस में देखा जाता है डिजिटेलिस थेरेपी में देखा जाता है हाइपोकलीमिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा ब्लॉकर यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कौन सा अल्फ़ा ब्लॉकर है जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है हमारा तो इसमें ध्यान से देखिए अल्फ़ा मिथाइल डोपा नहीं ये नहीं हो सकता मिथाइल डोपा क्या है हमारा सेंट्रली सिंपेटिक है कॉलिनेडिन नहीं कॉलिनेडिन भी नहीं है प्रोपान लोल नहीं प्रोपान लोल भी नहीं है क्यूं? क्यों क्योंकि प्रोपान लोल क्या है आखिर वो बीटा एडोनर्जिक है हमें अल्फा ब्लॉकर ढूंढना है तो पैराजुजन पैरासुजिन क्या है पैराजिन हाँ पैराजोजिन जो है हमारा पैराजोजिन पैराजोजिन डॉक्सोजिन ये हमारा क्या है ये हमारा अल्फा ब्लॉकर है सो आंसर इज बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन एक्सेप्ट कौन सा यूज़ नहीं होगा uh, उसमें तो देखिए मिथाइल डोपा हाँ है थाइजोल डायोटिक है ओके okay? सो so, कौन सा नहीं है तो देखिए मिथाइल डोपा सेंट्रली एक्टिंग हो गया थाइजोल डायटिक हो हो गया हो गया रिसरप्रिन भी इफेड्रिन क्या है इफेड्रिन इज अ एंटी इनर्जिक ड्रग ओके सो ये एंटी दीहेपिव नहीं है डेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसी इनिबिटर कौन सा है तो ए सी इनिबिटर हमारा क्या होता है क्लासिफिकेशन याद कीजिए तो एनालप्रिल कैप्टोप्रिल ओके ये हमारा क्या है ए सी इनिविटर है तो थर्टी फिफ्थ हमारा थर्टी फिफ्थ का ऑप्शन कौन सा होगा सिक्स कैप्टोप्रिल ओके ये हमारा ए सी इनिविटर हो गया थर्टी फिफ्थ डन क्वेश्चन है कि विच ऑफ़ दीज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जो हमें नहीं देनी चाहिए तो देखिए एंटी हाइपर इंटेंसिव ड्रग जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में डायबिटिक्स हमें नहीं देना चाहिए ए सी इनिवीटर एनल कैप्टेप्रिल रेमिप्रिल नहीं देना चाहिए प्रोपानलोल हमें नहीं देना चाहिए जो कि बीटा ब्लॉकर है सोडियम नाइट्रोप्लूसाइड में हमें नहीं देना चाहिए जो कि वैसोडाइलीटर है ओके okay, एंड कौन सी सेफ एंटीहाइपरटेंसिव है प्रेगनेंसी में तो मिथाइल डोपा सेफ है कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो हैं एटिनोलोल पिनोडोलोल ये सब सेफ हैं पैराजॉक्सिन क्लोनेडिन ये सब सेफ है लेकिन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डायबिटिक्स ए सी इनिबिटर प्रोपानोलोल जो कि बीटा ब्लॉक है और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कि वैसोडाइलेटर ये कॉन्ट्राइंडेटेड है तो अब देखिए हाइड्रोलिजन सेफ है मिठाई लोपा सेफ है निफे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये भी सेफ है एनाल एनालप्रिल क्या है एनालप्रिल हमारा क्या है ए सी इनिबिटर है कैप्टोप्रिल एनाल क्या है ए सी इनिबिटेड है और इसीलिए ये क्या है कॉन्ट्राइंडेटेड है प्रेगनेंसी में देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पेथोलिटिक एजेंट यूज एज एंटी एंटीहाइपोटेंसिव एजेंट तो सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक एजेंट कौन सा है प्रोपन नहीं नई क्या है प्रोपन जो है हमारा बीटा एनर्जिक है और uh, पैराजोजन नहीं पैराजोजन हमारा अल्फा एनर्जिक है ठीक है फिनॉक्सीड ये भी नहीं है क्लोनीडेन क्लॉडेन क्या है हाँ ये सेंट्रली एक्टिंग सिंपेथोलिटिक एजेंट है क्लोनीडेन और मिथाइल डोपा ये सेंट्रली एक्टिंग है ओके सो दिस क्वेश्चन इज डन अब क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट डायोटिक कौन सा है ठीक है इन सभी में तो इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन पे जाना पड़ेगा तो देखिए फिरोजिमाइड बोमिटामाइड और टोर्सीमाइड ये हाई एफिशिएंसी डायोटिक्स है हमारे ओके फिरोजिमाइड बोमिटामाइड टोर्सीमाइड हाई एफिशिएंसी डायोटिक है लेकिन ये बोमिटामाइड जो है वो मोरपोर्टेंट है और बोमिटामाइड क्या है बोमिटामाइड इज द मोर इंपोर्टेंट बोमिटामाइड मोर इम्पोर्टेंट है तो मोस्ट पोटेंट डायबिटिक कौन सा हुआ इसमें बुमिटामाइड टॉर्सीमाइड फ्योजोमाइड और ये तो कौन सा है बुमिटामाइड इज द मोर पोटेंट फिफ्टी नाइन्थ का ओके दिस टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिगार्डिंग फ्यूजमाइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा ट्रू है पता होना चाहिए कि फ्यूजमाइड होता क्या है तो लूप डायबिटिक्स होते हैं डायबिटिक्स में से जिसमें आता है फ्यूजमाइड बोमिटामाइड ठीक है एथाक्रिनिक एसिड जिसको टॉक्स बोलते हैं टोसिमाइड जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है पहले तो मैं पता होना चाहिए लॉन्गेस्ट एक्टिंग एक्टिंग कौन सा है टोसीमाइड है अवेलेबल होता है ये ओरली और पेरेंटली दोनों ही तरीके से ठीक है और कब दिया जाता है चॉइस ऑफ ड्रग होता है हार्ट फेलियर में और पलमंड्री एडिमा पेशेंट्स में पलमंड्री एडिमा पेशेंट्स में मॉडरेट टू सीवियर रिनल फेलियर में भी दिया जाता है ओके और किस लिए दिया जाता है हाइपर में दिया जाता है साइड इफेक्ट्स क्या है हाइपो कैलीमिया हाइपोमैगनीशीमिया हाइपो एंट्रीमिया हाइपर कैल्शीमिया हाइपर यूशीमिया और डिसलिपिडीमिया ये हमारी ओके okay, तो इनमें से कौन सा ट्रू uh, है तो यूज इन पलमंड्री एडिमा हाँ फिजमाइट जो है पलमंड्री एडिमा में यूज किया जाता है ओके फ्रेंड्स फॉर टुडे और ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीरियस इज़ कम्प्लीट नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और आगे कुछ और ट्राई करेंगे होप आपको समझ में आया होगा एंड uh, प्लीज़ आप अच्छे से देखिए इस चीज़ के लिए एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन बाय थैंक यू